हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमनाथ और आप देख रहे हैं टेक स्मार्ट वर्ल्ड। तो आज के ये वीडियो रेडमी नोट 5 प्रो यूजर्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, खास करके उन यूजर्स के लिए जो अपना नोट 5 प्रो में MIUI 10 स्टेबिलिटी वेट कर रहे हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड वर्जन MIUI 10.3.2.0 स्टेबल 5 वर्जन की वेट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro की ग्लोबल वर्जन 5 की अपडेट के बारे में। तो गाइज, अपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए एंड मुझे YouTube में ग्रो होने में मदद कीजिए। पिछली बार की जो अपडेट Android 10.3.2.1.0 की अपडेट में 5 वर्जन देखने को नहीं मिला था, तो इसके वजह से बहुत लोग नाराज़ हो गए थे। तो इसलिए Xiaomi ने नेक्स्ट अपडेट मतलब Android 10.3.2.0 की अपडेट में आपको मिल जाएगा 5 वर्जन। तो अभी तो Redmi Note 6 Pro में Android 10.3.2.0 की अपडेट में उस यूज़र्स को 5 वर्जन देखने को मिल गया। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि बहुत जल्दी Redmi Note 5 Pro में भी Android 10.3.2.0 के अपडेट में 5 वर्जन देखने को मिलेगा। गाइस, इस अपडेट में आपको एडेप्टिव बैटरी, एडेप्टिव ब्राइटनेस, डार्केस्ट थीम एंड स्क्रीन टाइम ऐसा बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। एंड उसका बैटरी परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें एडेप्टर बैटरी की फीचर्स है एंड इसमें कोई बग्स भी नहीं है। तो गाइस, अगर बात करें कि Redmi Note 5 Pro के लिए Android 10.3.2.0 के अपडेट कब रोल आउट होगा, तो इसके बारे में Xiaomi ने कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एंड अगर बात करें एक्सपेक्टेड डेट की, तो वो है 25 तारीख से लेके 13 तारीख को में, क्योंकि Redmi Note 5 Pro की जो बीटा टेस्टिंग है वो बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है, तो वो ख़त्म होने ही आई होगी। तो जैसे ही Redmi Note 5 Pro के लिए 5 वर्जन स्टार्ट होगा तो उसी दिन में एक वीडियो बना के आपको दूंगा लिंक के साथ एंड उसकी न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मुझे यूट्यूब में ग्रो होने में मदद कीजिए। प्लीज़, थैंक यू।